बनारस की सुबह घंटा घड़ियाल की आवाज के साथ होती है, संगीत घरानों के रियाज की आवाज के साथ होती है, लेकिन अब ये आवाजें कम होती जा रही हैं, घरानों के शागिर्द कम हो रहे हैं, शास्त्रीय और लोक संगीत की गूंज मंद हो गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, कबीर के दोहे और तुलसीदास की चौपाइयों की तकरीर सुनने के लिए कान तरस जा रहे हैं। और बात मैं कहूंगा, सुबह बनारस पूरे विश्व में फेमस है। उसकी प्रसिद्धि का एक तत्व ये भी था, उसका एक कारण ये भी था कि साथ में संगीत भी जुड़ा हुआ था और अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था। एक नई चीज़ को ये शुरू कर रही है, इससे क्या होगा कि जो हम विदेशों में सुनते रहे, आज हमें ये मौका मिलेगा कि बनारस में भी, गर्व से ये कहूँगा कि बनारस में भी इस तरह की संगीत के जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई बज रही है। मगर अब ये कमी जल्द पूरी होने वाली है। बनारस की दूसरी महिला मेयर प्रिदुला जायसवाल सुबह बनारस में नई जान फूंकने वाली है। नवनिर्वाचित मेयर ने बनारस घराने के संगीत की पुनरावृत्ति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, पंडित रविशंकर की सितार, कबीर के दोहे और तुलसीदास की चौपाई के साथ करने वाली है। इन्हें सुबह बनारस में शामिल कर हर मुख्य चौराहों पर हर सुबह बजाने की कवायद शुरू की गई है। ये जो गंगा जमुना जो तहजीब चली हुई है कबीर के हिसाब से, कबीर के दोहों को हम लोगों ने, कबीर के दोहे चाहे कबीर हो, चाहे रहीम हो, चाहे रविदास जी हो, सारे जो तुलसीदास जी हैं, सबके दोहे और भजन और श्लोक जो हमारे जो पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं, वो अगर सारे चौराहों पे एक मधुर संगीत की तरह अगर गूंजे तो वो पर्यटन को बहुत अट्रैक्ट करेगा। इस पहल पर बनारस के संगीतज्ञ के साथ आम नागरिक भी काफी प्रसन्न है। आई थिंक इट्स रियली ग्रेट आइडिया एंड इट्स रियली एंजॉयबल कॉन्सर्ट्स एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स अ सनराइज एंड इट्स म्यूजिक एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग ऑलवेज। हमारे पूरे भारतवर्ष में सांस्कृतिक नगरी बनारस से बड़ा कोई जगह नहीं है, और शास्त्रीय संगीत के लिए जितना काम यहाँ हुआ है शायद कहीं हुआ होगा। उम्मीद की जा रही है कि सुबह बनारस की इस पहल से काशी की गंगा जमुनी तहजीब एक बार फिर अपनी रौनक बिखेरेगी। रत्नेश राय, APN, वाराणसी।